महोबा में 36 दिनों से आमरण पर बैठे अनशनकारी की हालत नाजुक हो गई, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। महोबा शहर में कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में रहने वाले हैं भगवती सोनी के बेटे की 3 साल पहले नवदुर्गा विसर्जन के दौरान मौत हो गई थी। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए 25 अगस्त 2020 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब देखना यह है कि अनशन पर बैठे भगवती सोनी को न्याय मिलेगा या फिर बेटे के न्याय के लिए अपनी जान ही दे देंगे। भगवती प्रसाद सोनी की हालत गंभीर होने से पहले जारी किया गया था यह वीडियो। मैं भगवती प्रसाद सोनी, टीवी इंडिया न्यूज से जिला संवाददाता हूँ। पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ 25/8/2020 से अमरण अनशन कर रहा हूँ। दो सामूहिक हत्या के न्याय के लिए सदर एसडीएम राजेश कुमार यादव जी एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका महोबा मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाते आ रहे हैं अनशन समाप्त करने का। इसी दबाव के कारण मैं अनशन समाप्त नहीं कर रहा हूं, और मुझे ना तो मेरे पास जमीन है, ना मेरे पास मकान है, भूमिहीन मकानहीन हूं। 2016 से मैं बराबर शासन प्रशासन से गुहार लगाता आ रहा हूं, आवास के लिए, शहरी गरीब आवास के लिए, और उसमें जांच भी हुई। मुझे पात्र लिस्ट में पूर्व के अधिकारियों ने पात्र लिस्ट में नाम भी आया मेरा, जो कि मेरे पास है। मैंने ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल में भी आमंत्रण के लिए लिखा, आमंत्रण किया जाए। डीएम को दिया, एसडीएम को दिया, एडीएम महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिए। जब आमंत्रण नहीं हुआ तो मैंने तहसील दिवस में डीएम महोदय को पूर्व दिया था कि मुझे आत्मदाह करने की परमिशन दी जाए या मुझे आवास आमंत्रण किया जाए, जिस पर पूर्व डीएम ने एसडीएम प्रमोद कुमार जी से मौखिक आदेश देते हुए मुझे आवास दिलवाया था। आज भ्रष्टाचार में लिप्त राजेश कुमार यादव 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर मुझे नोटिस दिया गया और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से सभी को आवास दिए जा रहे हैं, छत्र छाया दी जा रही है। यहाँ प्रशासन के उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के कारण दुर्भावना से मेरे ऊपर दबाव बनाकर मेरे ऊपर कार्रवाई करते हुए मकान आवास मेरा खाली करवाया जा रहा है, जिसमें मैं आत्मदाह करूंगा। अब मुझे न्याय नहीं है तो मैं आत्मदाह करूंगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।